चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो पेट में पूछे जाने की संभावना है। इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हो सब आप सबको करा देंगे। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए क्वेश्चन की शुरुआत कर देते। पहला क्वेश्चन है, इसमें कोशिका का मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया। सेल थ्योरी की बात कर रहा है और पूछ रहा है किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आंसर ना देखते हुए इससे जितने आपके क्वेश्चन बन सकते चारों ऑप्शन वो देख लेते हैं। तो देखो, पहला लिखा रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच का जहां नाम आएगा वहां भी याद रखेंगे टीबी। क्या याद रखेंगे? टीबी। क्या याद रखेंगे? टीबी। टीबी क्या है? एक रोग है। क्या है? टीबी एक रोग है जो किससे होता? जीवाणु से होता है। जरूरी नहीं यही मॉडल पूछ ले, टीबी भी पूछ सकता है कि टीबी किससे होता है। वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया मीन्स बोले तो जीवाणु हो गया। अब टीबी के जीवाणु का नाम भी एक बार परीक्षा में पूछा था कंपटीशन में, एसएससी में। तो टीबी के जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी के जीवाणु का नाम हो गया, ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों स्पीड आप लोग ज्यादा करके देख लेंगे, अगर ये लग रहा होगा कि हम लोग धीरे पढ़ा रहे हैं तो स्पीड ज्यादा कर लेंगे आप। तो टीबी के जीवाणु का नाम क्या हो गया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया। अब टीबी से एक बात आप याद रखेंगे कि टीबी में एक टीका लगता, बहुत बार एसएससी में पूछा गया है, टीबी में एक टीका लगता, उसका नाम है बीसीजी। क्या नाम है? बीसीजी। अब बीसीजी का एक बार पूछा था, बीसीजी में सी का संक्षिप्त रूप क्या है, अर्थात सी का फुल फॉर्म क्या है? तो तीनों का फुल फॉर्म देख लेते, बी से हो गया बैसिलस हो गया, क्या हो गया? बैसिलस हो गया। सी से आपका क्या हो गया? कैलमेट हो गया, कैलमेट हो गया। और जी से क्या हो गया? ग्यूरिन हो गया। तो टीबी के टीके का नाम बीसीजी, इसका फुल फॉर्म बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन है। आगे देख लेते, यहाँ पे जीवाणु आया तो लगे हाथों ये भी बात कर लेते हैं कि जो जीवाणु की खोज थी एंटोनी वान लीवेनहाग ने की थी। दोस्तों नाम बड़ा लिखेंगे नहीं, स्पेस कम है। किसने की थी? एंटोनी वान लीवेनहाग ने की थी। अब अगला क्वेश्चन इससे टीबी से ये पूछ लेगा कि टीबी में प्रभावित होने वाला आपका क्या अंग कौन सा है, अंग कौन सा है? तो आप बताएंगे फेफड़े, जिसको लंग्स बोलते। क्या बोलते हैं? आपके जो इफेक्टिव आर्गन है लंग्स है। टीबी में क्या इफेक्ट होता है, कौन से आर्गन क्षतिग्रस्त होते हैं? तो आपके फेफड़े क्षतिग्रस्त होते हैं। और जो फेफड़ों के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है जिसे प्लीवरा बोलते, बहुत बार ये भी पूछा गया है कि फेफड़ों के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं? प्लीवरा बोलते हैं। और जो आपकी किडनी होती है उसके चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को पेरिटोनियम बोलते। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम बोलते हैं। और जो हृदय होता है उसके चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम बोलेंगे, उस झिल्ली को बोलते पेरिकार्डियम बोलते हैं। और जो आपका मस्तिष्क होता है इसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे मेनिनजाइटिस बोलते। क्या बोलते हैं? मेनिनजाइटिस बोलते। तो दोस्तों ये पहले ऑप्शन से आपके इतने क्वेश्चन हो गए। अब देखेंगे दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन यहां से लिखा है। तो रॉबर्ट ब्राउन, तो आपको पता होगा जो न्यूक्लियस है क्या केंद्रक, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और केंद्रक को कोशिका का मैनेजर बोलते, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका का मैनेजर किसे बोलते हैं? तो केंद्रक को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? केंद्रक को कोशिका का मैनेजर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया रॉबर्ट हुक है। क्या है? रॉबर्ट हुक। तो ये तो भैया बच्चे बच्चे को पता होगा 1665 में, कब? 1665 में सेल की खोज की थी। किसकी खोज की थी? सेल की खोज की थी। और कैसी कोशिका थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी कोशिका की, वो डेड सेल थी या लिविंग सेल थी? तो डेड सेल थी, अर्थात निर्जीव कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। अब बात आप सब ये पूछ लेते हैं कि सर ये बताइए किसमें की? तो कार्क में की। भैया किसमें की? तो कार्क में की, कार्क में की। अब इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इनकी पुस्तक का नाम बहुत बार पूछ लेता माइक्रोग्राफिया। क्या अगर पूछेगा माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसकी है, तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? भैया रॉबर्ट हुक जी की पुस्तक है जिसमें इन्होंने कोशिका के बारे में बताया। अब आप ये बता देते कि सर ये हमने ये तो बता दिया मृत कोशिका की, फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो ये भी भैया देख लेंगे, जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो किसने की थी? एंटोनी वान लीवेनहाग ने की। एंटोनी वान लीवेनहाग ने जीवित कोशिका की खोज की। लीवेनहाग ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की, और तालाब के पानी में, पाउंड ऑफ वाटर में डिस्कवर
क्या लिविंग सेल की खोज की थी, अर्थात पौंड के तालाब के जल में इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका देखा, किसने देखा, तो एंटोनी वान लीवेनहॉग ने। अभी आगे मैंने ये भी बताया था जीवाणु की खोज भी ये किए थे, दोनों मामले में इनको याद रखिएगा। अब देखो भैया कोशिका से कितने क्वेश्चन बनेंगे, 4 क्वेश्चन बनेंगे, याद रखेंगे। अब देखो सबसे बड़ी कोशिका, देखो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तीनों याद रखेंगे। ये हो गए मानव शरीर की सबसे छोटी हो गई ऊपर वाली, नीचे वाली हो गई आपकी बड़ी हो गई, उसके नीचे हो गई लंबी हो गई। तो 3 क्वेश्चन जीवन में कभी नहीं भूलेंगे अगर आप जीव विज्ञान के स्टूडेंट हैं, जीव विज्ञान कभी पढ़े हैं। तो इसमें ये हो जाएगा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आपका हो जाएगा शुक्राणु हो जाएगा, स्पर्म जिसको बोलते, क्या हो जाएगा शुक्राणु हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओयूम हो जाएगा, जिसे हिंदी में अंडाण बोलते हैं। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, जिसको नर्वस सेल इंग्लिश में बोलते हैं, तंत्रिका सेल, क्या तंत्रिका कोशिका हो जाएगा आपका। और देखो भैया मानव शरीर की बात हो गई, अब संसार की बात भी यही कर लेते हैं। तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका एग ऑफ ऑस्ट्रिच अर्थात शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, या संसार की सबसे बड़ी कोशिका है, लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे बड़ी कोशिका। और संसार की सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो माइक्रो प्लाज्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइक्रो प्लाज्मा हो जाएगा, ये बात हो गई। अब देखो भैया अगला ऑप्शन जो बता, स्लाइडन और स्वानी इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, क्या दिया था सेल थ्योरी अर्थात कोशिका सिद्धांत की बात इन्होंने किया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। और कोशिका सिद्धांत में ये बताया था कि कोशिका जो होती है वो मानव शरीर की क्या सबसे छोटी इकाई है, मानव शरीर का जो मानव शरीर है ना विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है, और कोशिकाओं में समस्त कार्यों का नियंत्रण उसमें उपस्थित प्रोटोप्लाज्म के कारण होता है। तो ये मेडिकल छात्रों के लिए उपयोगी, आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि कोशिका का मॉडल किसने दिया, तो स्लाइडन और स्वान ने। तो दोस्तों पहले ये देख लेते कि आपके क्वेश्चन में पूछा क्या था, तो कोशिका का मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया, तो कोशिका का जो मॉडल था किस वैज्ञानिक ने दिया, तो आपका क्या हो जाएगा भैया स्लाइडन व स्वान ने, क्या स्लाइडन व स्वान ने, इनका पूरा नाम मैथिया जैकब स्लाइडन व थियोडोर स्वान ने। तो आप स्लाइडन स्वान याद रखेंगे तब भी आपका सही हो जाएगा। तो करीब 15 से 20 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन में हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहां से, कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस को हिंदी में विद्युत ग्रह बोलते, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, देखो सबसे पहला ऑप्शन है माइटोकांड्रिया, तो डायरेक्ट भैया ऐसा तो है नहीं मैंने पेपर बना यही पूछ लेंगे, लेकिन इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, देखो इससे कितने क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले बात हो रही है आपके माइटोकांड्रिया की, तो इसमें 3 वैज्ञानिक याद रखेंगे, एक हो गए अल्टमैन हो गए, एक हो गए कोलिकर हो गए, क्या हो गए कोलिकर हो गए, एक अल्टमैन हो गए, एक कोलिकर हो गए और एक सीबिंडा हो गए, क्या हो गए सीबिंडा। 3 वैज्ञानिक के नाम आप जीवन भर नहीं भूलेंगे भैया। देखो अगर पूछेगा माइटोकांड्रिया की खोज सबसे पहले किसमें, तो सबसे पहले अगर माइटोकांड्रिया की खोज पूछे किसने की, तो आप आंसर को लगा देंगे कोलिकर ने की, किसने की कोलिकर ने की। अगर आपसे ये पूछ ले कि खोजे गए कोशिकांग को बायोप्लास्ट किसने कहा, अर्थात माइटोकांड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा था, तो आपके अल्टमैन जी ने कहा था, क्या कहा था बायोप्लास्ट कहा था। अगर आपसे भैया ये पूछ ले कि सीबिंडा साहब का योगदान क्या, तो सीबिंडा जी ने क्या कहा था माइटोकांड्रिया शब्द दिया था, अर्थात खोजे गए माइटोकांड्रिया, खोजे गए कोशिकांग को सबसे पहले माइटोकांड्रिया किसने कहा, तो सीबिंडा ने कहा। सबसे पहले खोज किसने की, तो कोलिकर ने कीट की रेखित पेशियों में की, अल्टमैन ने खोजे गए कोशिकांग को बायोप्लास्ट कहा। आपसे इजी तौर पे अगर आप मेडिकल के छात्र एग्जाम नहीं देते हैं ना, मेडिकल का एग्जाम देंगे तो उसमें पूछ सकता है, बट आपसे सिर्फ यही पूछ लेगा कि माइटोकांड्रिया की खोज किसने की, 3 में से एक ऑप्शन दे देगा, आप जो लगा देंगे आपका सही काउंट होगा। आगे देखेंगे, देखो माइटोकांड्रिया में पाया जाता है क्या, क्रिस्टी पाया जाता है, क्या पाया जाता है भैया क्रिस्टी पाया जाता है। अब देखो जो माइटोकांड्रिया होता है ना, यहाँ आपको बता दें, देखो माइटोकांड्रिया दोहरी झिल्लीयुक्त संरचना होती है, ऐसे डबल इसमें क्या मेम्ब्रेन पाई जाती है, दोहरी झिल्लीयुक्त संरचना होती है और इसके अंदर क्या उंगली के जैसे उभार होते हैं, ऐसे ऐसे उंगली के जैसे उभार होते हैं और डीएनए आरएनए पाया जाता है। तो भैया जो उंगली के जैसे उभार है ना, इनको बोलते हैं क्रिस्टी बोलते, क्या बोलते हैं इनको क्रिस्टी बोलती है, और क्रिस्टी पे छोटे छोटे कण लगे होते जिन्हें F1 कण बोलते। बहुत बार पूछा गया कि माइटोकांड्रिया में उंगली सदृश संरचना क्या कहलाती है,
तो आंसर होगा क्रिस्टी कहलाती है। इन क्रिस्टी पे जो F1 कण होते हैं ना, क्या होते हैं F1 कण होते हैं, ये याद रखेंगे, जिनको पराक्सिसोम कण या F1 कण बोलते हैं। अब देखेंगे माइटोकांड्रिया में जो एनर्जी होती, ऊर्जा होती ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है, इसलिए माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इतना क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो आपका जो क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकांड्रिया हो जाएगा। आगे देखेंगे गालजी काय, तो भैया गालजी काय को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। अगर आपसे ट्रैफिक पुलिस, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे गालजी काय को। और अगर आपसे भैया ये पूछ ले कि इसकी खोज किसने की, तो कैमिलो गालजी ने की। किसने की, कैमिलो, सॉरी गालजी पहले लिख दिया, बाद में होगा, किसने की, तो कैमिलो गालजी ने की, गालजी काय की खोज की। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम भैया ये होता है कि प्रोटीन विटामिन जो हमारे शरीर में पोषक तत्व हैं, उनको क्या करना, उनका ट्रांसफर करना, जहां जिसको जाने देना जाने देना, जहां जिसको रोकना है उसको रोक देना, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो कैमिलो गालजी ने की थी। आगे देखेंगे राइबोसोम, तो भैया ये इंपॉर्टेंट है। देखो राइबोसोम की खोज 1955 में हुई, कब हुई 1955 में हुई, तो सन नहीं बायोलॉजी में, याद रखेंगे सन भैया कभी नहीं पूछा जाएगा। इसकी खोज की थी पैलाटे नामक वैज्ञानिक ने की थी, किसने की थी, पैलाटे नामक वैज्ञानिक ने की थी। और सबसे बढ़िया बात जो इसमें याद रखेंगे, इसे प्रोटीन फैक्ट्री बोलते, क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, कोशिका की ऊर्जा की फैक्ट्री किसे बोलते हैं, तो राइबोसोम को बोलते हैं। इसमें आप, और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा इससे ये बनता है कि कोशिकांग के अंदर कोशिकांग किसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो कोशिकांग के अंदर कोशिकांग किसे बोलते हैं, तो राइबोसोम को बोलते हैं। इसका आकार माइक्रोमीटर में होता, बहुत सूक्ष्म होता है। और यह क्या होता, जब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े होंगे भैया, ऐसे जब आप प्लांट सेल का फिगर पढ़ते हो ना, ऐसे ऐसे होता ना, तो इसमें दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, एक स्मूथ और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। तो एक पे आप देखा होगा जो राइबोसोम के कड़ लगे होते हैं, तो इसका मतलब हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या है, आपका एक कोशिकांग, उसके अंदर भी पाए जाते, इतने सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इसको कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कहते हैं राइबोसोम को, ये भी आप याद रखेंगे। अब लाइसोसोम की बात कर लेते हैं, तो इसको मानव शरीर की आत्महत्या की थैली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मानव शरीर की आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग, क्या, मानव शरीर की आत्महत्या की थैली बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, क्योंकि इसमें प्रबल एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में, जैसे सेल, जैसे आरबीसी की डेट 120 से 125 दिन बाद हो गई, तो प्लीहा में, स्प्लीन में चली गई, बाद में कुछ आरबीसी गला दिया जाता है, तो किसकी सहायता से, तो लाइसोसोम, ये प्रबल होता है, इसलिए अगर आपके शरीर के अंदर फट जाए तो आपकी हत्या हो सकती है, इसलिए आत्महत्या की थैली से कहा गया है। और इसकी खोज भैया याद कर लेंगे, C.D. डुबे ने इसकी खोज की थी, लाइसोसोम की खोज की थी। तो आपका क्वेश्चन इसमें था कोशिका का पावर हाउस या विद्युत ग्रह किसे कहते हैं, तो भैया किसे कहते हैं, माइटोकांड्रिया को कहते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते, देखो मुख गुहिका में कृंतक रदनक दांतों की संख्या, देखो भैया एक बार दांत से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आज आपको ट्रिक बता देंगे, मनुष्य के शरीर में जितने दांत हैं सबकी संख्या निकाल लेंगे। तो देखो मनुष्य की बात कर रहा, तो बच्चे की बात तो कर नहीं रहा, वयस्क की बात कर रहा, क्या, किसकी बात कर रहा, वयस्क। तो सबसे पहले हम लोग वयस्क का दंत सूत्र, डेंटल फार्मूला आप क्या, दंत सूत्र, हाँ दंत सूत्र, हाँ डेंटल फार्मूला ऑफ एल्डर, अर्थात वयस्क का दंत सूत्र की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, जो वयस्क मनुष्य होता है उसका दंत सूत्र होता है 21-23 / 21-23 / 21-23 गुड़े दो, क्या होता है, गुड़े दो बराबर कितना होगा, 2-2 4, 4-2 6, 6-2 8, 2-10, 10-3 13, 13-3 16, 16-2 9 32। तो आपके टोटल टीथ की बात करेंगे 32 हो गया। अब बहुत बच्चों को भैया ये बात यहाँ पे समझ में नहीं आती कि सर ये ऊपर नीचे, ये ऊपर वाले दांत हो गए, ये नीचे वाले हो गए, तो इसको दो से गुणा आप क्यों किए हो, तो भैया इसका मेन मतलब है जो हम लोग जबड़ा लेते हो ऐसे लेते, चार भागों में उससे बांट देते हैं, आपके नाक से सीधे नीचे काट दीजिए, चार भागों में हो जाएगा, तो इधर वाले 21-23 हो गया, इधर वाले 21-23 हो गया, नीचे 21-23 हो गया, और नीचे 21-23 हो गया, तो ऊपर वाले लिख लेते हैं और वही संख्या तो दो से गुणा कर देते हैं। अब देखो दांतों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो जो मनुष्य के दांत होते हैं चार प्रकार के होते हैं, पहले हो गए कृंतक हो गए, दूसरे रदनक हो गए, कृंतक रदनक, तीसरे हो गए अग्रचर्वणक हो गए, क्या हो गए, अग्रचर्वणक,
अब अगले क्या हो गए, चर्वड़क हो गए, क्या हो गए, चर्वड़क हो गए। देखो इसको इंसीजर बोलते हैं, इसको कैनाइन बोलते हैं, इसको प्रीमोलर बोलते हैं, इसमें मोलर बोलते हैं, इतने हो गए। अब जैसे इसमें पूछा है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं आप भैया, कभी भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा, कोई भी पूछ लेगा आप तुरंत बताएंगे एक सेकेंड के अंदर। देखो पहला लिख लेंगे कृंतक, पहले कौन से दांत हैं, कृंतक हो गए। दूसरे नंबर पे कौन से, रदनक हो गए। तीसरे नंबर पे कौन से, अग्र चर्वड़क हो गए, क्या हो गए, अग्र चर्वड़क हो गए। अगले नंबर पे क्या हो गए, चर्वड़क हो गए। चार प्रकार के दांत मैंने लिख लिया। इधर लिख लेंगे इनकी संख्या, क्या लिख लेंगे इधर इनकी संख्या, इधर कार्य लिख लेंगे। तो भैया कार्य बोर्ड में नहीं पूछा जाता, बोर्ड का मतलब आपके कॉम्पिटिशन में कार्य से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आएगा इनकी संख्या से। देखो अब जैसे कृंतक की संख्या ज्ञात करना है, तो पहले वाले कृंतक है दो दो चार, और चार का गुणा दो से कर लेंगे तो कृंतक की संख्या हमारे जबड़े में कितनी हो गई, आठ हो गई। अब रदनक की संख्या पूछेगा तो दूसरे नंबर पे एक एक दो, दो गुणे दो बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी एक एक दो, दो गुणे दो बराबर चार। तो रदनक की संख्या हमारे शरीर, सॉरी हमारे बक्कल कैविटी में, मुख गुहिका में कितनी हो गई, चार हो गई। अग्र चर्वड़क की बात करते हैं तो दो दो चार, चार गुणे दो बराबर आठ हो गए, आठ हो गए अग्र चर्वड़क हो गए। अब चर्वड़क की बात करते हैं तो तीन तीन छः, छः गुणे दो बराबर छः दुनी बारह हो गए, कितने हो गए, बारह हो गए दोस्तों। अब भैया आप ये देखेंगे कि सबकी संख्या निकल आई, कृंतक पूछेगा आठ लगा देंगे, रदनक पूछेगा चार लगा देंगे, अग्र चर्वड़क पूछेगा आठ लगा देंगे, और चर्वड़क पूछेगा बारह लगा लेंगे। अब सबकी संख्या काउंट कर लो, देखो देखो आठ चार बारह, आठ बीस, बारह बत्तीस, तो हमारा क्या फार्मूला भी सही है और दांतों की संख्या भी सही है दोस्तों। तो आपके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसमें पूछा था कृंतक, तो अगर कृंतक की पूछेगा संख्या तो आठ हो गई, क्या हो गई, आठ हो गई, पहला वाला सही हो जाएगा। अगर रदनक की पूछेगा तो रदनक की संख्या चार हो गई, दूसरा सही हो जाएगा, ये दोस्तों हो गया। अब चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो देखो यही बच्चे टिक करके चले आएंगे और यही गलत हो जाता। तो फीमर क्या मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, क्या है, लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे। फीमर है जिसको जांघ की हड्डी या थाई बोन बोलते हैं, और पैर में दो हड्डी पाई जाती है, टिबिया फिबुला। अगर पूछे टिबिया और फिबुला कहाँ पाई जाती हैं, तो आपकी लोअर निचली टांग में जो आपके घुटने के नीचे पैर होता है उसमें टिबिया फिबुला हड्डी पाई जाती हैं, और जो सबसे बड़ी हड्डी है वो आपकी फीमर हो गई, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं मेंडिबल, क्या बात करते हैं मेंडिबल, तो देखो मेंडिबल को जा बोन बोलते हैं, जा बोन मतलब जबड़े की हड्डी, क्या बोलते हैं, जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी जो है ये मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, हार्डेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे अगर मजबूत हड्डी की बात करेंगे तो आप मेंडिबल लगाएंगे। अब देखो स्टेपीज हो गया, तो हमारे जो कान होते हैं उसमें तीन हड्डी पाई जाती है, एक स्टेपीज हो गया, अगली हो गया इनकस हो गया, क्या हो गया, इनकस हो गया, और अगली की बात करेंगे माइलिस हो गया, क्या हो गया, माइलिस हो गया। तो स्टेपीज, इनकस, माइलिस पाई जाती हैं, तो तीनों हड्डियों में सबसे छोटी होती है स्टेपीज होती, क्या होती है, स्टेपीज होती है। देखो स्कैपुला और क्रैविकल ये शोल्डर बोन है, आपकी कंधे में पाई जाती, क्या पाई जाती है, कंधे में पाई जाती, कंधे में दोनों हड्डियां पाई जाती हैं। और जो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हजार बार पूछा गया है ना, क्लाइविकल से क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको लिखा था। जो क्लाइविकल बोन होती है ना उसे ब्यूटी बोन बोलते, क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन बोलते हैं। अगर पूछे ब्यूटी बोन मानव शरीर में किस बोन को बोलते हैं, तो क्लाइविकल या कंधे की हड्डी को या शोल्डर बोन को क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन बोलते हैं। जो आपके आगे हसली वाली जो हड्डी होती हैं इन्हें ही क्लाइविकल बोलते हैं। आपके जो कंधा है इसमें दो हड्डियां पाई जाती है, स्कैपुला और क्लाइविकल। देखो क्लाइविकल का काम क्या होता है, जो अक्षीय कंकाल तंत्र होता है इसको उपांगीय कंकाल तंत्र से कनेक्ट करना, या आपकी जो रिब्स होती है इसके ऊपर पाई जाती है, और रिब्स के बीच में, देखो रिब्स के बीच में एक वी आकार की बोन पाई जाती है, इस बोन का नाम भी याद रखेंगे, एक बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, उसे स्टर्नम बोन बोलते हैं। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर कोई गलती हो तो आप बता सकते हैं, समझे, धन्यवाद।